So, और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज हम लोग करेंगे एकदम मस्त तड़कते भड़कते फोन का फुल BGMI टेस्ट जो है OnePlus Nord 2T। और यहाँ पर मैं आपको FPS काउंटर के साथ पूरा डेटा दिखाऊंगा। और रही बात OnePlus Nord 2T के अंदर हमें जो ग्राफिक सेटिंग्स अनलॉक करके देता है ना, वो आपको मिलती है स्मूथ और एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS, और बाकी अदर ग्राफिक्स में 40 FPS की गेमिंग अनलॉक करके देगा। और एक बात है, यहाँ पर आपको जो साउंड भी है वो भी अल्ट्रा में मिल जाएगा। और अगर आप जायरो प्लेयर हो तो जायरो गेमिंग करना चाहते हो उसके अंदर, तो आराम से आप कर सकते हो क्योंकि इसका जायरो मस्त पिन पॉइंट वाला मिलता है, आराम से स्प्रे करने में काम आएगा। टच रिस्पॉन्स में भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी अच्छा निकल कर आता है। अगर हम लोग सिंपल में बता दें TDM की गेम प्ले को लेकर, तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 कंटिन्यूस मैचेस करके देखे थे, और सिंपल है वहां पर मुझे जो FPS थे ना वो 58, 60, 57 इस तरीके से FPS निकाल के दे रहा था लॉन्ग टाइम गेमिंग करने के बाद में भी। तो TDM पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, TDM पे अच्छे खासे गेम प्ले करवा के दे देगा, वहां पर कोई टेंशन नहीं है। तो अभी यहाँ पर बात सिंपल है कि ये फोन है ना अभी तक इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है, वो भी फर्स्ट टाइम किसी फोन के अंदर आ रहा है जो है OnePlus Nord 2T, और जो है Dimensity का 1300। और ये जो प्रोसेसर है ना, इतना मैं सिंपल आपको समझा सकता हूँ क्लियर तरीके से कि ये गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है, और आप इसमें ना अच्छी खासी गेमिंग आराम से कर सकते हो अपने प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। अभी अगर हम लोग बात करें बूट कैंप को लेकर, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैच था ना, और अगर मैं उसको सिंपल तरीके से समझा दूं आप लोगों को, तो 55 प्लस वाले FPS ऑलमोस्ट ये रखता है, और 58 से 60 इस तरीके से भी FPS आते हैं। और अगर आप इसमें 3 से 4 गेम प्ले कर लेते हो, बूट कैंप वगैरह कर लेते हो, तो तब आपको जाके ना इसमें थोड़ी सी ऐसे ड्रॉप देखने मिलेगी FPS को लेकर, क्योंकि फोन थोड़ा सा हीट की तरफ चले जाता है। और मैंने इस फोन का जो मैक्स टेम्परेचर नोटिस करा था ना, 43 से 44 डिग्री तक का टेम्परेचर मैंने नोटिस करके देखा था। तो इतना है कि छोटा फोन है सा, उस हिसाब से फोन की जो टेम्परेचर है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बट परफॉर्मेंस में उतना ज्यादा भी ड्रास्टिकली सब गिरावट नहीं आती है।
Awesome. अगर बात करें इरांगल को लेकर तो वहां पर भी मैं अगर सिंपल में समझा दूं तो 57 से 60 इस तरीके से FPS निकाल के दे रहा था। अगर देखो यहां पर सिंपल कंक्लूजन या सिंपल अगर मेरा वर्डिक्स में अगर आपको समझाओ ना तो OnePlus Nord 2T और इसके अंदर जो प्रोसेसर है ना Dimensity 1300 का, ये एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर के जरिए आप आराम से 55 प्लस वाली गेमिंग आराम से कर पाओगे, जहां पर आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं होगा गेमिंग को लेकर। यस थोड़ी बहुत फोन में हीट आपको देखने मिलेगी और यस अगर वो चाहे ना OnePlus थोड़े से अपडेट्स के बाद में उसको सॉल्व कर सकता है या फिर जो डायमेंसिटी है वो इस प्रोसेसर को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता है अपडेट्स के थ्रू। बाकी यहां पर ये प्रोसेसर अच्छी खासी गेमिंग करवा के दे देगा। तो अगर यहां पर इस वीडियो को सिंपल में अगर आप लोगों को कंक्लूजन करके समझाऊं तो देखो OnePlus Nord 2T जो प्रोसेसर इसके अंदर है डायमेंसिटी 1300, ये एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है। 55 प्लस से 60 के अंदर की जो गेमिंग है वो आप आराम से इसके अंदर कर सकते हो और आपको अच्छे खासे मजे भी आएंगे। फोन हल्का सा हीट करता है जो डायमेंसिटी 1300 है उसकी वजह से, और शायद से जैसे मैंने समझाया थोड़ी देर पहले वो थोड़ा बहुत अपडेट्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहां पर सिंपल कंक्लूजन, जब भी इंडिया में OnePlus Nord 2T लॉन्च होगा तो आप लोगों को एक अच्छा डिवाइस देखने मिलेगा गेमिंग के लिहाज से और प्रोसेसर भी काफी अच्छा आपको रिजल्ट निकाल के देगा। और जहां तक चांसेस है ये फोन है ना अंडर 30,000 रुपीज के अंदर आ सकता है। अभी फिलहाल कोई फाइनल नहीं कह सकते बट 30,000 मेरे हिसाब से ना होकर इस फोन की जो प्राइसिंग है 25 से 26 तक आती है तो काफी ज्यादा मस्त वाले रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे बाय करने को लेकर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया था, तो जो एक्स पेन करके जो बंदा था उसने हमको उड़ाया मस्त में और हम लोग वापस उसी जगह पे लैंड होते हैं और भाई दे धनाधन उसको भी भर डालते हैं और उसकी पूरी टीम खत्म कर देते हैं। तो भाई ये होता है मस्त में बदला लेना, और भाई सबका बदला लिया तुम्हारे गेमिंग पार्ट चलाने। तो भाई यहाँ पर अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के पूरा ऐसे मस्त में आइडिया आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो का लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना, ज्यादा नहीं है भाई 3000 लाइक का टारगेट है, फटाफट टच करवा देना। बाकी एल्गोरिदम में भी मस्त में हेल्प कर देना, लाइक शेयर कॉमेंट वगैरह कुछ जो भी हो सके एक अपना मस्त में पॉइंट छोड़ देना। बाकी मिलूंगा आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय।